हेलो एवरीवन, सो वी आर लाइव. 9 बज चुके हैं एंड एज ऑलवेज वी आर ऑन टाइम. थोड़े लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे. हाँ प्रगम शर्मा ज्वाइंट. हेलो प्रगम. यस पीपल आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग. तुम लोगों को लॉकडाउन का तो पता चल ही गया होगा यार, 2 वीक्स के लिए और एक्सटेंड हो गया. सो क्या कर सकते हैं, बट देन इट्स फॉर आर गुड ओनली. जितनी जल्दी हम लोग मतलब अच्छे से इसको फॉलो करेंगे उतना जल्दी सब खत्म होगा. तब तक के लिए क्या है, घर में रहो, चिल मारो. बाकी तुम लोगों को अगर कुछ लिखना है तो यू कैन टाइप, और कुछ बताना चाहते हो तो फिर उसके बाद फिर हम प्रत्युष को ऐड कर देंगे थोड़ी देर में. हेलो हेलो एवरीवन. सो आई गेस वी कैन ऐड प्रत्युष, राइट? सो आई विल जस्ट ऐड हिम टू दिस. विल बी हियर एनी मोमेंट. हाय अभी हूँ। हेलो, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? गुड गुड, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ. बस सब बढ़िया. सो हाँ गाइस, जी, वी हाँ जी। हैव द मैन हियर, वी हैव प्रत्युष हियर. सो यस, सो वी वर वेटिंग फॉर यू प्रत्युष. अरे एंड थैंक यू थैंक यू। सो यस, वील स्टार्ट विद अवर थिंग. सो बेसिक क्वेश्चन वही है, क्वारंटीन कैसा चल रहा है? अब तो 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड भी हो चुका है, तो कैसा लग रहा है और कैसा चल रहा है अभी तक? नहीं, आई मीन अभी तक तो अच्छा ही है जो भी, क्योंकि ये हम लोग के लिए काफ़ी, हम लोग क्रिकेट इतना खेलते हैं तो ये ब्रेक का टाइम था, तो जो मच नीडेड ब्रेक बॉडी रिकवरी के लिए, वो सब अच्छा हो गया। तो अभी वर्कआउट वर्कआउट होम, मतलब घर पे ही वर्कआउट करते हैं, और मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब यू नो यू खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, हम लोग सोच सकते हैं अपने बारे में, और करेक्ट करेक्ट. स्पेशली यू नो क्वारंटाइन लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग इतने लाइफ से यूज्ड हो जाते थे, पता नहीं लगता है। तो नाउ अब हम लोग को इतना पता लग गया कि हम लोग 1.5-2 महीने कुछ कुछ चीजें जो लोग हर हर दिन करते हैं उसके बिना भी रह सकते हैं। तो वो सब ऑफ कोर्स, मतलब करेक्ट करेक्ट आई होप कि ह्यूमन मतलब मैनकाइंड इससे सीखे, इट इज वेरी करेक्ट. इंपॉर्टेंट। यस ऑफ कोर्स. यस. सो आप कैसे रहते हो? आप कहाँ, मतलब अभी कहाँ हो? दिल्ली में हो आप? नहीं, अभी तो मैं त्रिपुरा में हूँ, इधर त्रिपुरा में मैचेस खेलने आया था अच्छा, मैं। ओके. अच्छा, यू आर नॉट विद योर फैमिली राइट नाउ, यू आर अलोन. नहीं, मेरे डैड इधर ही है तो मैं इनके साथ ही रहता हूँ अभी तो फिलहाल तो। ओके ओके. इट्स हाँ लक, जी। यू आर नहीं लकी एटलीस्ट, मतलब योर फादर इज देयर, वरना अकेले में तो आई डोंट नो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती. नहीं बिल्कुल, आई मीन फादर है, घर है, तो यू नो आई जस्ट मतलब मेरे को तो ये उन लोगों के लिए सोचता हूँ जो जिनको घर में नहीं है, जिनके साथ खाने वाने का सब कुछ इशू है, तो हम लोग तो लकी हैं, बहुत लकी हैं अभी वो। करेक्ट करेक्ट. सो गाइस, फॉर पीपल हु डोंट नो प्रत्युष, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ CSK चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिल्ली डेयरडेविल्स स्क्वाड, एंड ही हैज प्लेड फॉर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, एंड ही हैज बीन प्लेइंग फॉर त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन. सो आई डोंट नो क्या क्या कर सकते हैं आप, मतलब आपके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, और आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इतना सब खेला है तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एक्सपीरियंस अभी तक का? क्रिकेट बचपन से हम लोग को खेलना था, तो यू नो यू एस्पायर टू प्ले फॉर द कंट्री, बट अभी तक तो नहीं हुआ है, बट जो भी बीच बीच में रणजी ट्रॉफी हो गया, IPL है, तो वो सब का एक्सपीरियंस बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और यू नो इन हम लोग के लाइफ में ये एक ऐसा टाइम आता है जब आप सीख सकते हो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ। आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो, यू शेयर योर करेक्ट ड्रेसिंग रूम विद वेरी सीनियर प्लेयर्स, जैसे मैं झारखंड से खेलता था तो सौरभ करेक्ट. तिवारी है, ईशान जकी है, ईशान किशन है, इनके साथ खेल के काफी सीखते हो आप, और सब बहुत सब 50-70-70 रणजी ट्रॉफी मैच खेल चुके हैं, तो आप उनसे करेक्ट बहुत नॉलेज करेक्ट. मिलता है प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद फिर आईपीएल में, आईपीएल जब खेलते तो आईपीएल में बहुत सब इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलती हैं, तो उनसे बहुत कुछ ड्रेसिंग रूम शेयर करते, तो प्रेशर फील करते हैं, कैसा वो लोग अब्सॉर्व करते हैं सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है ये सब अगर आप खेलते हो तो। और जैसे मैं त्रिपुरा में आया तो त्रिपुरा में भी
दो तीन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, राणा दत्ता है इधर, मुरा सिंह है, तो उनसे आप देर मैच विनिंग प्लेयर्स, तो आप मैच विनर्स के साथ रहते हो तो आप वो आपकी यूज टू हो जाती है हैबिट, तो आप जितना आप उनसे ले सकते हो लेते हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा बहुत अच्छा रहा है किसी का भी, जो भी खेलेंगे वो ये सब चीज़, ये सब लेवल, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल फॉर देम. So we have a question from Janshu. He says, how does it feel to share the dressing room with MSD? बचपन से, जब मैं मतलब बचपन क्या, जब हम लोग आईपीएल शुरू हुआ था तभी बहुत लोग, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों की फेवरेट टीम सीएसके ही होगी, फेवरेट प्लेयर एमएस धोनी होगा, यस तो वो मेरे साथ भी यही था कि एमएस धोनी और सीएसके, तो जब मैं सीएसके में पिकअप हुआ तो दैट वाज, वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, सबसे बड़ा मेरे लिए ड्रीम कम वही ट्रू था कि जो टीम को आप ओके ओके देखते हो, जो टीम को आप देखने की सोचते हो और हर मैच देखते हो, फॉलो करते हो, उस टीम का आप ड्रेसिंग रूम का पार्ट हो आप. तो एमएसडी से बहुत कुछ यस सीखने यस को मिला, क्योंकि जब मैं सीएसके में था और झारखंड में था तो दोनों टाइम मेरे को एमएसडी मिले, तो आप वो कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, वो कैसे चीजों को देखते हैं, तो मतलब आप यू यू जस्ट के नॉट अंडरस्टैंड कि वो किस लेवल पे सोचता है वो आदमी, तो वो आप गेम को ऐसा ले जाता है कि आप देखते रह जाते हो योर. तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, झारखंड से जब मैं खेल रहा था एक बार, तो हम लोग वनडे खेल रहे थे, तो उन्होंने कुछ नहीं, हम लोग 6 आउट हो गए थे, उन्होंने 10वें ओवर में शायद बैटिंग कर रहे थे, तो वहां से वो गेम कैसे 48 ओवर तक लेके गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो हम लोग की टीम ऐसे कमांडिंग पोजीशन पे आ गई थी कि वहां से उन्होंने फिर गेम ही बदल दिया. तो वो सब चीज जनरली हम जो खेलते हैं उनसे नहीं सीखने को मिलता है, ये बड़े बड़े प्लेयर जब आते हैं करेक्ट मतलब, और एमएसडी तो मतलब इज अ लेजेंड फॉर अस फॉर द वर्ल्ड, कॉस तो यस ही यस हिज कैप्टनसी स्किल्स, द वे ही थिंक्स अबाउट थिंग्स, मतलब जैसा वो सोचते हैं, वो कप्तानी करते हैं, कप्तानी तो मतलब उनकी अलग ही लेवल की होती है कि वो हमेशा दूसरे टीम के एक स्टेप आगे ही रहते हैं, जो भी आप सिचुएशन में आने वाले हो, बॉल कहाँ जाएगी, कहाँ कौन कौन सा शॉट कहाँ लगेगा एग्जैक्टली, तो वो सब बहुत बहुत बड़ी चीज है, और मेरे लिए तो लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना ही है. यार इट्स अ बिग थिंग ऑफ कोर्स. और मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मतलब ऑन द फील्ड वी नो, मतलब हम लोगों ने टेलीविजन न्यूज वगैरह में देखते हैं ही इज कॉल्ड कैप्टन कूल, बहुत कूल है. ऑफ द फील्ड भी ही इज कूल, और मतलब कैसा उनका बिहेवियर कैसा रहता है सबके साथ, नहीं मतलब नहीं टीममेट्स वगैरह ऑफ द डेफिनेटली फील्ड? डेफिनेटली, वो ही वन मैन हु डजन्ट हैव अ ड्यूअल पर्सनालिटी, मतलब जिनका जो आपके टीवी के सामने एक चीज है और टीवी के पीछे कुछ और है, तो वो वैसे नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब इसीलिए लोग उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो आपके सामने और आपके पीछे वैसे ही है. तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने झारखंड का ड्रेसिंग रूम भी बहुत संभालते थे वो, जब जैसे सीएसके एस के में तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो वो इतना इंटरेक्शन दैट वो प्रोफेशनलिज्म बहुत आया था, बट झारखंड जैसी टीम है तो जब हम लोग थे, जब मैं फर्स्ट ईयर खेल रहा था तो झारखंड उसमें ऊपर आ रहा था, तो वो कैसे उस सिचुएशन में हम लोग जैसे सेमीफाइनल खेले वनडे का, तो साथ में खेले पूरा सारे मैच खेले, तो वो ड्रेसिंग का कैसे एटमोसफेयर, प्रोफेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं प्रोफेशनलिज्म के बिना क्रिकेट ही नहीं हो सकता, और जैसा उन्होंने स्टेज सेट किया है वो खेलते हैं वो क्रिकेट, तो मतलब हम लोग अपने आप ही ऊपर हो जाते हैं कि हमारी टीम में एमएस धोनी है, तो वो बहुत फर्क पड़ता है. करेक्ट करेक्ट यस ऑफ कोर्स यार, थैंक यू यार. मतलब सब हम लोग, मैं सुन रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं इनके लिए मतलब ये चीज बहुत नई है. मतलब यू आर गेटिंग उस बंदे ने, मतलब यू हैव फेस्ड हिम, मतलब पर्सनली यू हैव सीन हिम, सो वो एक्सपीरियंस भी वी आर गेटिंग टू नो, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट. एंड सो नेक्स्ट इज यार, मतलब हाउ डिड योर स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट, मतलब बचपन से कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, व्हाट वाज द रीजन टू प्ले, एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट इन योर लाइफ? क्रिकेट तो हम लोग जो भी जितने भी क्रिकेटर होंगे वो सब पहले से कॉस्कोबॉल से खेलते होंगे मजे के लिए, कभी कोई सोचता नहीं, बट मैं दिल्ली में आया, सोनेट क्लब ज्वाइन किया, सोनेट में मतलब फिर ऐसे सर ने एक टूर्नामेंट खिलाया, हमारे तारिक सर कोच हैं तो उन्होंने टूर्नामेंट खिलाया, तो वहां से धीरे धीरे यू यू स्टार्ट मतलब एक लगा कि हाँ नहीं कुछ थोड़ी एबिलिटीज हैं, तो उसके बाद वहां से देन यू स्टार्ट पिकिंग अप, फिर जब आप कुछ आपके जैसे आप कुछ करते हो रिजल्ट्स आते हैं तो आप अपने आप पे बिलीव करते हो, फेथ रखते हो, तो वहां से इट स्टार्टेड फॉर मी कि मतलब मैं फिर वहां से अंडर 16 की टीम में आया, पहला साल एक भी मैच नहीं खेला, मैं पूरा बाहर ही था, और उस समय दिल्ली की टीम में मतलब बड़े बड़े प्लेयर थे, पवन नेगी, उन्मुख चंद, ये सब सब थे, तो
तो उस समय हम लोग भी फाइनल खेले, तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से मेरे को भी, क्योंकि वो लोग भी काफी 16 के हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने जो भी उस समय था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट ईयर जब मैं 16 खेला तो आई डिड डिसेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई गॉट, जो मेरे को एक्सपीरियंस एक साल पहले मिला उस वजह से। क्योंकि हम लोग को क्या होता है कि आप क्रिकेट में बहुत कुछ देख के भी सीखते हो, सीखने वाले देख के भी सीख जाते हैं, करेक्ट करेक्ट तो वो बहुत इफेक्टिव था मेरे लिए। तो क्रिकेट वहीं से मेरे लिए स्टार्ट हुआ, अंडर 16 से। मैं दिल्ली में ही सोनट क्लब में था, तो उधर से स्टार्ट हुआ मेरा। ओके सो फिर आपका जैसे आपने झारखंड खेले थे फिर त्रिपुरा खेले थे, तो इन दोनों स्टेट्स में क्या डिफरेंस आपको नजर आया, मतलब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के बेसिस पे हम बात करेंगे, आपको क्या डिफरेंस कुछ आया नजर में या फिर मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका दोनों जगह? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा तो क्या है, वहां पर दो तीन इंडिया प्लेयर है झारखंड में। सौरभ ओके तिवारी हो गया, एम एस धोनी हो गए, वरुण अरुण हो गए, तो ये लोग, करेक्ट करेक्ट और जिशांत जग्गी इंडिया आए खेले हैं, ईशान किशन इंडिया आए खेले हैं, मतलब तो उधर क्या है, पीपल लोग वहां पर जो प्लेयर्स हैं वो लोग ऊपर क्रिकेट खेले हुए हैं, तो उससे एक टीम में प्रोफेशनलिज्म, एक टीम में स्ट्रेंथ आता है। बट मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि त्रिपुरा की टीम में भी मेरे ख्याल से मुरा सिंह एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर, नॉट मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा तो नहीं बोलूंगा। इधर एक विशाल घोष करके बैट्समैन है, वो भी मतलब वेरी स्टाइलिश, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट और रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा और झारखंड एक ही टीम में खेलती है, एक ही पूल में खेलते हैं, ओके 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 तो ये थोड़ा सा है, लाइक उस टीम में थोड़े से स्ट्रेंथ्स हैं ज्यादा ऑब्वियसली, बट त्रिपुरा की टीम भी बहुत अच्छी है, एंड दे हैव द केपेबिलिटी की मतलब वो मैच कर सकते हैं। और वहां पर आई जस्ट फील कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में है फर्क, ऑब्वियसली ये प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन जो ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए, दैट एटमोस्फेयर विच हैज टू बी इन ड्रेसिंग रूम, तो वो थोड़ा सा लैकिंग है, बट नेवरदलेस ये हो जाएगा चेंज। करेक्ट सो हाउ वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब व्हेन यू मेड योर डेब्यू फॉर इन द रणजी ट्रॉफी, हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस, मतलब कैसा उस टाइम फील हो रहा था, नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, कैसा फील हो रहा था उस टाइम? देखिए नर्वसनेस तो ऑब्वियस है, तो मतलब बिल्कुल इट इज बाउंड टू हैपन, बट ये था कि जैसे मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, मैंने थ्रू आउट, मैं दिल्ली के लिए जब एज क्रिकेट खेलता था तो मैंने थ्रू आउट मिडल ऑर्डर बैट किया था, तो मैं जब झारखंड गया उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 3 नंबर खेलना पड़ेगा वन डाउन, तो दैट वॉज अ बिट, क्योंकि वो क्या होता है, यू हैव बीन प्लेइंग मतलब पूरे लाइफ आप मिडल ऑर्डर खेलते हो, आप सडनली जाके नया बॉल खेलना है, वो भी एक अपर लेवल क्रिकेट में जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी, तो वहां मेरे को 3 नंबर खेला था, फर्स्ट बॉल पे हमारा ओपनर आउट हो गया था, तो आप तो मेरा राजस्थान के साथ डेब्यू हुआ था, और राजस्थान में पंकज सिंह, अनिकेत चौधरी, खलील ये सब थे, तो दे हैड वेरी गुड ऑफ कोर्स बोलिंग ग्रेट अटैक, तो वहां पर मेरा एक्सपीरियंस मतलब नर्वस था, बट आई न्यू कि अगर मैंने यहाँ अच्छा किया है तो दिस टीम, क्योंकि ये टीम उस समय ऊपर आ रही थी, कोई प्रोमिनेंट टीम नहीं था, यस मतलब वहां ओके पर 5-6 प्लेयर्स थे प्रोमिनेंट, तो उस टीम में जगह बनाने के लिए आई हैव टू पुट अ गुड फुट फॉरवर्ड, तो वहां से मेरे को, मैंने डिसेंट, मेरा डेब्यू भी अच्छा हुआ, मतलब डिसेंट हुआ, तो ओके बढ़िया वो चीज मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, और मेरे को ये स्ट्रेंथ आया कि फास्ट बॉलिंग राजस्थान की मेरे ख्याल से इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है, तो उनके अगेंस्ट आपने रन बनाया है, तो आप यू आर नॉट नॉट बिहाइंड, आप पीछे नहीं हो, यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम देयर, करेक्ट तो वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और करेक्ट मेरे को फिर मैच के बाद पंकज सिंह ने बोला भी कि थोड़ा डिफिकल्ट है तेरे को बॉल डालना, सिंस योर हाइट इज शॉर्ट, सो यू टेक एन एडवांटेज, यू शुड नॉट फील इट, एंड उन्होंने भी मेरे को बोला कि वर्ल्ड के आप जितने भी ग्रेटेस्ट बैट्समैन हैं, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, सर डॉन ब्रैडमैन, तो ये लोग सब, ज्यादातर लोग छोटे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बॉल डालना मुश्किल होता है, तो यू शुड एक्चुअली, आपको इन सब चीजों से निकल के इसको स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा था। करेक्ट 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 सो बढ़िया यार, आई गेस वो प्लेयर्स ने आपको सजेस्ट किया एंड दैट ऑफ कोर्स हेल्प यू आउट, मतलब कभी कभी कॉम्प्लेक्शंस हो जाते हैं ना हम सबको, लेकिन टू यूज दैट एज एन एडवांटेज, वो एक हाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव उन्होंने आपको बताया, तो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में, तो हाँ दैट इज अ ग्रेट थिंग यार। सो यस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कुकिंग आती है, आप क्या कुछ बनाते हो, कुछ मतलब आपने ट्राई किया मतलब घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसा कुछ? कुकिंग मेरे को, मतलब मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है ऑलरेडी, मतलब ऐसा, क्योंकि मेरा मेरा था भी कि रेस्टोरेंट खोलूँ मैं, तो
तो कुकिंग ऑब्वियसली मेरे उसमें है, तो कुकिंग मैं काफी करता हूँ, मतलब नॉन वेज डिशेस डीट यहाँ पर भी, जैसे घर घर पे डैड वॉड के लिए खाना बनाता हूँ, तो यू नो दैट वो रहता है, क्योंकि हाँ क्योंकि आपको टाइम तो थोड़ा बहुत तो यूज करना ही है, तो आप ये थोड़ा एक्सप्लोर करते हो अपने बारे में, तो कुकिंग वुकिंग अच्छा लगता है मेरे को बहुत, मतलब इट इज, क्योंकि आपका मेरा फूड का टेस्ट भी मतलब है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है कि खाना वाना बने सब कुछ, यू नो. करेक्ट करेक्ट। वो बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम लोग पिछले लाइव कर चुके हैं, तो मैं सबसे पूछता हूँ, सब अपनी अपनी कोई बताते हैं। जैसे लास्ट में बताया था सबने, रॉबिन भाई ने बताया था वो बटर चिकन बनाते हैं, और भी हाँ जो आए थे उन्होंने भी बताया था कि कोई ऐसी स्पेशल डिश जो आप बनाते हो। नहीं यार, मेरे को तो बोलना पड़ेगा कि मैं रॉबिन भाई के साथ ही हूँ, कि मैं भी बटर चिकन बनाऊँ और बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाऊँ. ओके तो सही है, बढ़िया है, अच्छा है, सब मतलब अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। सो वील स्टार्ट विथ, मतलब हमारा जो कोलाज फूड क्लब का आइडिया, वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गली टुवर्ड्स देयर, मतलब कभी ना कभी तो शुरू कर ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो यस, सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस टाइम पे, क्वारंटीन के टाइम पे, हाउ टू कीप अप विद द फिटनेस एंड योर मेंटल फिटनेस ऑल्सो। लाइक कभी कभी थॉट्स आ जाते हैं ना कि नेक्स्ट मैच कब होगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन कब होगा, सो हाउ आर यू डीलिंग विद इट, मतलब योर, मतलब व्हाट इज योर शेड्यूल फॉर द डे इन दीज टाइम्स। सी अभी तो ये है कि देखिए, हम लोग को अभी जिस जिस जो लोग आईपीएल में सेलेक्ट हुए थे अभी, उनके लिए तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, क्योंकि आईपीएल नहीं हो रहा. बट क्या है कि इस टाइम पे आपको और कुछ काम ही नहीं है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप अगर काम करते हो वो नहीं कर सकते, तो यू आपके पास टाइम बहुत है. अब वो आप क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जैसे मेरे घर पे यहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह उठता हूँ, तो यू नो बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी जिम की जरूरत भी नहीं है. हम जिम में जाके पुशअप मारते हैं, सिटअप्स मारते हैं, कोर करते हैं, तो वो जिम में जाके नहीं, वो कहीं भी हो सकती है वो सब चीजें. तो इट इज वेरी गुड कि आप घर करेक्ट पे भी कर करेक्ट सकते हो कुछ चीजें, अगर बाहर है तो पुल अप मार सकते हो, पुल अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यू नो, और कुछ आउटडोर स्पोर्ट अगर घर पे है, कुछ भी है, यू नो जैसे मेरे घर पे बैडमिंटन है, तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ 2-3 घंटे, सो दैट मेरा जो बाहर का वर्कआउट है वो हो जाए, यू नो मेरी भाग दौड़ होते रहे. क्योंकि सडनली क्या होगा ना, जैसे जो भी क्रिकेटर्स हैं जो डिसेंट लेवल पे खेल रहे हैं, जो बोर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं, जब ये सब खुलेगा तो अचानक से आपके पास, आपके सामने टूर्नामेंट आ जाएगा, आपके सामने करेक्ट रणजी ट्रॉफी आ करेक्ट। जाएगा, जिस अंडर 19 अंडर 16 जो भी खेलते हैं उनके सामने वो आ जाएगा. तो अगर हम अभी कुछ नहीं करते तो हम पीछे हो जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जब हम खुलेगा फिर हम मेहनत करना करेक्ट। स्टार्ट करते हैं, फिर हम सोचेंगे कि मेहनत अब करनी है, तो वो सही नहीं रहता. अभी मेरे यहाँ से मतलब यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी मेहनत करूं, क्योंकि मेरे को बाद में रिजल्ट चाहिए, और मेरा तीसरा सीजन है रणजी ट्रॉफी का, तो मैं करेक्ट। चाहता नहीं हूं कि यू नो खराब जाए मेरा लास्ट सीजन, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना अच्छा गया नहीं. सो आई वांट टू मेक इट अप. मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मैं कवर करूँ वो सब चीजें जो मैंने गलत की हैं. तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम है हम क्रिकेटर्स एज अ ह्यूमन बीइंग सबके लिए, कि रिफ्लेक्ट करें. और मेंटली सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेंटली वो सब हम पे है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, वो सब हम पे है. शायद हमें ये लॉकडाउन अच्छा नहीं लगे बहुत लोगों को, किसी को बहुत अच्छा लगे, तो मैं उनमें से हूँ जो मेरे को ये चीज डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, क्योंकि आई एम गेटिंग सो मच टाइम विद माई डैड, माई फैमिली, माई सेल्फ. तो ये सब चीजें आपको नहीं मिलती हैं जनरली. आप हम एज अ क्रिकेटर, जो भी क्रिकेटर हैं, वो 6-6 7-7 महीने घर से बाहर रहते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं. तो अभी बहुत अच्छा टाइम मिला है कि आप सब कुछ करो, आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो उस टाइम को. क्योंकि आप देखो ना, बाहर हम लोग जाते हैं, कोई कोई कहीं डेट पे चले जाता है, कोई कहीं पे चले जाता है, तो वो सब चीज अब नहीं होती है. तो यू यू हैव सो मच टाइम टू योर सेल्फ, यू हैव सो मच टाइम कि आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो आप ही पीछे हो रहे हो. आप चाहे क्रिकेट खेलते हो, चाहे नौकरी करेक्ट करते हो, करेक्ट चाहे करेक्ट। कुछ भी करते हो, आप ही पीछे होगे, क्योंकि टाइम नहीं रुकेगा किसी के लिए. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आई गेस दिस इज द टाइम व्हेन वन कैन नो हिमसेल्फ और हरसेल्फ बेटर, लाइक अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, ऐसा टाइम नहीं मिलता है जनरली किसी को भी। एज क्रिकेटर्स आप एक्सपीरियंस बता रहे हो, और जो नॉर्मल ऑफिस जो भी जॉब्स भी कर रहे हैं, दे ऑल्सो डोंट गेट मच टाइम विद देयर पेरेंट्स और देयर फैमिलीज, और मोर देन फैमिली आई गेस अपने साथ ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। एज यू मेंशन कि यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो ड्यूरिंग दीज टाइम्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल आई बिल्कुल गेस दैट्स अ गुड पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो क्योंकि यार, कोलाज स्पोर्ट्स क्लब के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब योर थॉट्स ऑन कोलाज स्पोर्ट्स क्लब? नहीं, कोलाज आई मीन हैज बीन रियली हेल्पफुल, यू नो, बिकॉज जयांशु, प्रगम, जो भी जिनको जानता हूँ मैं, तो वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं. एंड यू नो कोलाज अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स खेलता है, जीतता है,
सब कुछ यहाँ पर जो होता है सिस्टमैटिक मैनर है, यू नो, तो ये सब चीजें अच्छी जगह ही हो सकती है और अच्छे लोगों के साथ. तो अच्छे लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए. और कोलाज की टीम जो खेलती है वो बहुत यू नो प्रोफेशनल होती है. तो आप ये समझ सकते हो कि कोलाज आने वाले टाइम में एक अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छा टीम, बहुत मतलब यू नो अच्छा फाउंडेशन सेट कर रहा है अच्छे क्रिकेटर्स के लिए. और जैसे करेक्ट करेक्ट आप लोग ये सब यू नो लाइव वीडियोस कर रहे हो क्रिकेटर्स के साथ दूसरे लोगों को रीच आउट करने के लिए, इट इज एक्चुअली समथिंग विच इज हेल्पिंग अस इन एवरी वे. आप और लोगों को रीच आउट करते हो, जो लोग यू नो जो लोग एस्पायर करते हैं खेलना ये वो, तो यू रीच आउट टू देम, दैट इज वेरी गुड. यू नो मीन इट लुक्स लाइक अ यस वेरी गुड यस फाउंडेशन सेट बाय कोलाज स्पोर्ट्स. आई एम वेरी हैप्पी विद देम, बहुत अच्छा लगता है मुझे. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दोस थिंग्स. सो यार आप लेग स्पिन भी करते हो मैंने सुना है. हाँ, आई मीन मेरे को सफेद बॉल से व्हाइट बॉल क्रिकेट में बॉल डालना बहुत पसंद है. आई मीन यू नो क्योंकि लेग स्पिनर्स ओके व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत यूजफुल होते हैं. आप देखो, आप आईपीएल देखते हो तो कोई भी लेग स्पिनर है, जो भी अगर आप देखो कोई भी लेग स्पिनर 1-1.5 करोड़ के नीचे जाता ही नहीं है ना. आप मार्कंडे ले लो, लमेछाने ले लो, राहुल तेवत्या ले लो, बड़े बड़े तो छोड़ो, जो नॉर्मल नॉर्मल अच्छे डिसेंट लेवल पे है वो भी दे गेट इनफ मनी. तो लेग स्पिन इज समथिंग विच इज एन एसेट फॉर मी. और जो भी लेग स्पिनर है उनके लिए वो करेक्ट एसेट करेक्ट है, क्योंकि लेग स्पिनर्स कैन शूट अप एनी टाइम एनी एनीवेयर. तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बॉल डालता हूँ, मेरे को मन अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को कुकाबरा बॉल से बॉल डालने में अच्छा भी लगता है, कंट्रोल है. और लेग स्पिनर्स हमेशा हमेशा करेक्ट हैंडी होते हैं, हमेशा एनी एनी फॉर्मेट ऑफ मतलब स्पेशली व्हाइट बॉल शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट दे वेरी हैंडी. तो आप अगर बैट्समैन हो साथ में लेग स्पिन डालते हो तो आपको एडेड एडवांटेज है. करेक्ट 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 सो व्हाइल बैटिंग व्हाट्स योर फेवरेट शॉट एंड व्हाइल बोलिंग इफ आई मे आस्क व्हाट वुड बी योर वेरिएशन इन द लेग स्पिन योर लेग स्पिन और द गूगली व्हाट वुड बी योर पिक लाइक नहीं, बैटिंग मैं में व्हाट्स योर फेवरेट शॉट. बैटिंग में यू नो बैटिंग बिल्कुल उल्टा है मेरे को. बिल्कुल जैसे मैं सब बॉल डालते हो सफेद बॉल पसंद है और बैटिंग करते हो लाल बॉल पसंद है, क्योंकि लाल बॉल बहुत टेस्ट करता है, ओके बहुत यस बहुत टेस्ट करते हैं आपको, मतलब यस अच्छे आई अच्छे सपोज लेवल पे क्रिकेट होता है. तो बैटिंग में मैं बोलूंगा मेरे को कट बहुत पसंद है, कट और ओके फ्लिक फ्लिक बहुत पसंद है. थोड़े स्क्वायर शॉट्स हैं पता है मेरे को, थोड़े गलत हैं एज पर कोचेस और ये सब, बट ठीक है, थोड़ा मैं हाइट में छोटा हूँ तो अच्छा है. मेरे को ये है कि बॉल मिलता है उधर तो मैं अच्छा से प्लेस कर सकता हूँ. आई हैव अ बिट ऑफ कमांड. और ओके बॉलिंग ओके में आप ये कहिए कि मतलब बेसिकली अगर आप वेरिएशन क्या है वो तो थोड़ा बस प्लान होता है कि अगर आप सेट करते हो बैट्समैन को, दो लेग स्पिन फेंकते हो, फिर जो गुगली फेंकते हो, तो वो गुगली अगर आपकी सही जगह पे गिर गई तो यू आर गेटिंग अ विकेट ऑफ द यू नो ज्यादातर चांसेस है कि आपको विकेट मिल जाएगी. तो वो गुगली है, करेक्ट करेक्ट इम्पोर्टेंट बॉल करेक्ट है. ओके सो बीइंग अ लेग स्पिनर माइसेल्फ मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब आपको क्या क्या वेरिएशन आते हैं जैसे आप फ्लिपर कर लेते हो क्या मतलब फ्लिपर तो आई गेस इट्स अ डिफिकल्ट बॉल टू बोल राइट. फ्लिपर फ्लिपर भी मेरा एसेट है, क्योंकि मेरी मतलब यू नो फ्लिपर हाइट छोटी है मेरी, मैं बोला बार बार बोल रहा हूँ, तो वो एक ट्रैजेक्टरी अलग हो जाती है. तो व्हेन यू बोल तो वो ट्रैजेक्टरी अलग हो जाती है लोगों के लिए. वो जो बॉल है वो फ्लाइटेड भी मेरी उसी हाइट पे आएगी और मेरी फ्लिपर भी उसी हाइट पे आएगा, तो वो ट्रैजेक्टरी थोड़ा अच्छा रखता है, क्योंकि यू ओके नो बहुत हेल्पफुल है फ्लिपर. और फ्लिपर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वेपन है लेग स्पिनर के लिए. यस 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 सो वही है मैं भी इंटरव्यू देख रहा था ना शेन वॉन का. आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू ही वाज टेलिंग समथिंग लाइक ऐसे कुछ मतलब जूटर आई बोल डोंट रहा नो ही वाज समथिंग ही वाज सेइंग जू समथिंग ऐसे क्लिप जू होता है देन हाँ बोल जूटर समथिंग लाइक जूटर जूटर आई कुड जूटर अंडरस्टैंड कि वो बोल क्या रहे हैं बिकॉज वो फ्लिप करके नहीं हो पाता ना मैं ट्राई करता नहीं हुआ. तो आपने कभी ऐसा ट्राई किया उनका नहीं, जो समझ ये बॉल जैसे हम लोग, जब मैं पहली बार आईपीएल में गया था तो वहां पर मैंने देखा काफी, जो भी इधर लेग से हमारे साथ एक चेन्नई के लेग स्पिनर थे उस समय, वो आईपीएल में नहीं थे बट अभी है, एम अश्विन करके, बहुत अच्छे लेग स्पिनर है. तो उन्होंने वो बॉल, मुरुगन अश्विन हाँ, यस तो वो उन्होंने मेरे को दिखाया था ये बॉल अच्छा है. तो वो समय आईपीएल में खेल नहीं रहे थे, बट उसी सीजन में सीएसके वालों ने इतना इंप्रेस हो गए थे कि अगले सीजन में उनको सीएसके ने ले लिया था. पुणे आई थी अगले सीजन में, तो पुणे 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 सुपर जायंट ने उनको लिया था. तो वो उन्होंने मेरे को सिखाया, तो वहां से करेक्ट मैं करेक्ट सीखते सीखते अभी जाके मैं सीखा हूँ. वो मेरे को काफी टाइम लग गया, क्योंकि यू नो ये ओके बॉल इतना कमांड आता नहीं है आपको. करेक्ट 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 सो हम लोग कोई क्वेश्चन लाइव में से ले लेते हैं जो कोई पूछ रहा है क्वेश्चंस.
सो ओके व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी ऑफ अ मैच, लाइक व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी ऑफ अ मैच अभी तक की, मतलब कोई ऐसा मैच जो आपके माइंड में अभी तक हो कि वो बहुत अच्छा गया था वो मोमेंट, कोई ऐसा? मेरे ख्याल से मैं अभी तक तो मेरा फेवरेट भाई और मेमोरी मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू 100 जो था वो मैच, हम लोग ओके बहुत बहुत खराब सिचुएशन में थे, 120 के साथ आउट थे हम लोग, और वहां से मैंने 100 बनाया, तो हम लोग 300 350 बनाया मैंने, और हम लोग को बोनस से जीतना था, गोवा से मैच था तो वो बोनस से जीतना इम्पोर्टेंट था, नहीं तो हम लोग रेलिगेट हो जाते। तो वो मैच मैंने मतलब यू नो कंट्रीब्यूट किया टीम के विन में और सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ, तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड मोमेंट फॉर माय लाइक दैट इज वेरी मेमोरेबल एंड वेरी यू नो चेरिशिंग फॉर मी कि मेरे को मेरा पहला 100 था उस मैच में, वो रिजल्टेड कि हम लोग मैच जीत गए, तो जो हम लोग को रिजल्ट चाहिए था क्योंकि मैच जीतने के लिए खेलते हैं, और तो वो सब अच्छा था। करेक्ट करेक्ट। सो आवर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हु इज योर फेवरेट बैटिंग पार्टनर, मतलब डोमेस्टिक में एनी फेवरेट, मतलब आपका कोई फेवरेट बैटिंग पार्टनर? अब देखे तो मेरे को ईशान किशन है झारखंड के, उनके साथ बहुत अच्छा लगता था बैटिंग करेक्ट करने करेक्ट। में। एक कुमार देवव्रत भैया है तो वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ही इज अंडररेटेड बट वेरी एक्सपीरियंस, वेरी एनर्जेटिक और वेरी लाइवली पर्सन। उसके बाद मैं त्रिपुरा आया तो यहाँ पर मेरे को लगता है एक विशाल घोष नाम के जो मैंने पहले बोला, फिर इधर हमारे त्रिपुरा में प्रोफेशनल खेल रहे थे मिलन कुमार, तो वो भी बहुत अच्छे पार्टनर है बैटिंग पार्टनर, तो ये लोग हेल्प करते हैं और दे बैट एक्सट्रीमली वेल इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप भी उनसे सीखते हो, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे करेक्ट लिए कि करेक्ट। आप हर बॉल पे सामने खड़े होकर नॉन स्ट्राइकर से आप सीख सकते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है व्हेन 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 अ गुड बैट्समैन इज बैटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप और ध्यान से देखते हो। करेक्ट करेक्ट। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अबाउट एमएसडी कि मतलब एमएसडी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था। सो वही है बेसिकली, आप एक मतलब एक जिस्ट में बता सकते हो, जैसे मैच से पहले क्या टॉक होती है, वो क्या बातें करते हैं, क्या बताते हैं, फिर ऑन द फील्ड वो क्या बताते हैं, कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सको तो। नहीं वो हम लोग जैसे हम लोग जब मैच खेलते हैं मैच के पहले एटमोसफेयर बहुत चिल रहता है, सब कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, बट वो चीजें बताते हैं कि मैच में अगर हम एफर्ट देंगे तो हम जीत जाएंगे, कहते हैं तुम लोग एफर्ट दो ओके कप्तानी मैं करूंगा तो हम जीत जाएंगे, वो खुद ही बोलते हैं, तो वो बहुत उनका चिल एटमोसफेयर है कि मैं अकेला जिता दूंगा, मतलब अकेला मतलब मैं अपने कप्तानी से ही जिता दूंगा, आप लोग अपना काम करो बस, तो हम लोग भी बस उसी चीज में ध्यान रखते हैं कि हम लोग अपना काम करें, कोई खराब बॉल कोई अच्छे बॉल पे छक्का मारता है वो कुछ नहीं बोलते, कोई अच्छे बॉल पे आउट हो जाता है वो कुछ नहीं बोलते, तो वो बोलते हैं कि अपना काम करो, तो वो जो थिंकिंग है हम लोग कुछ, और हमेशा वो एक चीज बोलते थे मैं मतलब वो मेरे मतलब अंदर रह गई है वो बात कि हमारे पास हमेशा ज्यादा टाइम होता है जितना हम सोचते हैं, जो हम T20 खेलते हैं वनडे खेलते हैं तो स्लॉग ओवर में लोग आप अक्सर देखते होंगे कि टीम जल्दी मार के जो टोटल पहुंचना चाहिए वो पहुंचते नहीं है मारने के चक्कर में, तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें हमारे पास हमेशा ज्यादा टाइम है जिससे हम जितना हम सोचते हैं तो रहना है एंड तक, इसीलिए आप देखते होंगे कि जो भी वो मैच जिताते हैं वो एंड तक खुद लेके जाते हैं, ही गोज वो अगर 2 ओवर में 1 ओवर में 16 भी यस यस चाहिए यस। 1 ओवर में 16 चाहिए तो वो बना देंगे, उनको पता है, तो वो लेके जाते हैं लेके जाते, क्योंकि प्रेशर तब दूसरी टीम पे आता है, तो वो हम लोग समझते नहीं है, ओके तो वो हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर आप कैसे अपने पे से दूसरे टीम पे ले गए, और वही चीज आप देख लो आपने कितने उन्होंने मैच जिताए और ऐसे ही करके सेम चीज करके, करेक्ट वो करेक्ट वर्ल्ड कप करेक्ट में भी वो जो रन आउट यस हो गए अदरवाइज वो मैच लेके जा रहे थे क्योंकि वो 1 ओवर उनको 2 ओवर पता है कि वो किसी और के डलने थे, तो वो कोई सोचता नहीं, सब सब उनको क्रिटिसाइज करेंगे बट दैट थिंकिंग, अब तो मैं उनके साथ खेल चुका तो मेरे को दिख जाता है वो सब चीजें, तो बट तो वो इंपॉर्टेंट है एंड करेक्ट। फॉर अ दिस इज व्हाट लेजेंड्स एक्चुअली डू, दे कैलकुलेट, विराट कोहली को देख लो आप कैसे कैलकुलेट करता है चीज में, तो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट करेक्ट। आपने वर्ल्ड कप मोमेंट याद दिला दिया यार, काफी सबके लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो, मतलब रन आउट दैट वाज लाइक लीस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे तो भरोसा आ गया इफ एमएसडी स्टेज टिल द एंड ही वुड फिनिश द गेम ऑफ, तो आई गेस सबको वही लग रहा था, बट दैट रन आउट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट यार, नहीं, मतलब पूरे पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया को वही लग रहा था, मतलब हम लोग तो मैं तो था कि जीत ही जाएंगे वो, तो बस चलो ठीक है लग गया, आप देखो आईपीएल फाइनल में भी ईशान किशन ने उनको रन आउट किया था, वो डायरेक्टर करेक्ट वो यस आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर विकेट कीपर यस बैट्समैन है यस वो ईशान किशन, फिर भी उसने रन आउट किया, और इधर भी सेमीफाइनल मैच में हम लोग इधर न्यूजीलैंड ने एक ही रन आउट किया, तो वो है बट वो एक्स्ट्रॉर्डनरी करेक्ट पर्सन, एक्स्ट्रॉर्डनरी यू नो दैट
अभी तो उनका पता नहीं, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इफ ही इज गोना प्ले ही इज नॉट गोना प्ले, बट इफ ही नेक्स्ट एक्सेस क्वेश्चन मैं वही आने वाला था कि आपको कोई आइडिया है वैसा क्वेश्चन, मतलब आपके कोई नहीं सोर्सेस के थ्रू आपको पता चल रहा हो। नहीं मेरे को इतना पता, क्योंकि मेरा भाई झारखंड के लिए खेलता है तो ही प्लेज रणजी ट्रॉफी फ्रॉम देयर, तो उनके उनके ड्रेसिंग उनके मतलब ग्रुप ग्रुप में यही बात है कि वो खेलेंगे इस बार डोमेस्टिक सैयद मुश्ताक अली खेलेंगे वो, ओके ओके तो ओके, बढ़िया देखते हैं। बढ़िया। ओके वी आर लुकिंग फॉरवर्ड यार, इफ ही मेक्स अ कमबैक देन वी ऑल वुड लव इट ऑफ कोर्स। मतलब किसको डेफिनेटली पसंद डेफिनेटली नहीं है यार एमएसडी। एमएस तो यस मतलब यस, एमएसडी तो मतलब सो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो लाइक ओके, सो अभी तक का आपका करियर जैसा रहा है उसमें से आपके, आप जैसे बोलो रिग्रेट्स, और आपके जो आपको लगता है कि बेस्ट मोमेंट्स थे, व्हाट वुड बी दोज मोमेंट्स फॉर यू टिल नाउ, जैसे जहां तक अभी करियर है वहां तक। आई मीन बेस्ट मोमेंट्स क्या होता है बेसिकली, जब हम डेब्यू करते हैं रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो अगर आपका एक डिसेंट सीजन आता है, जैसे मेरा काफी डिसेंट सीजन गया था फर्स्ट सीजन, मतलब आई गॉट डिसेंट अमाउंट ऑफ रन्स, तो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि वी आर फिटिंग इन दिस ग्रुप, बट जैसे मैंने जैसे जब मैं चेन्नई में था सीएसके में, तो मैंने सुरेश रैना से बात किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला था तू फर्स्ट क्लास खेलेगा ना तो फर्स्ट सीजन के रन काउंट नहीं करते, सेकंड सीजन के रन काउंट करते हैं, तब मेरे को वो बात कभी स्ट्राइक नहीं किया। बट जब आप सेकंड सीजन खेलते हो तो एक एक पूल में, एक पूल में 9 या 10 टीमें होती हैं, तो वही टीमें आपके साथ नेक्स्ट ईयर भी खेल रही हैं, तो वो अपना होमवर्क करके आते हैं, जो आपके वीकनेस स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस लेवल पे बहुत वीडियो चलती हैं, वीडियो चलता है इधर उधर, तो यू आपको पता रखता है कि दूसरी टीम आपको टारगेट कर रही है, तो देन अगर आप सेकेंड ईयर वो इम्पोर्टेंट वो उस मेहनत से नहीं आते हो तो वो आपको हिट करता है, क्योंकि फर्स्ट सीजन किसी का भी अच्छा जा सकता है, बट सेकेंड सीजन अच्छा ओके जाने के लिए, यस, सेकेंड सीजन अच्छा जाने के लिए यू हैव टू वर्क मोर हार्ड, यू हैव टू बी मतलब आपको दूसरे टीमों से एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा, आपकी वो क्या सोचते हैं करेक्ट क्या करेक्ट। करते हैं, तो वो मेरा एक एडेड एडवांटेज था कि मैं मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था अपने अंदर कि मैंने मेहनत नहीं की है, तो सीजन अच्छा जाए नहीं जाए इट इज फाइन, बट इफ यू अगर आप अपना काम कर रहे हो जो आपका काम है, अगर वो नहीं करते तो आपको थोड़ा सा यू नो थोड़ा लगेगा, कहीं ना कहीं आज नहीं लगेगा लेकिन 2 दिन बाद लगेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। और करेक्ट रिग्रेट आई करेक्ट। फील रिग्रेट थोड़ा सा यू नो मैं अपने फिटनेस में लैग करता था, तो वो मैंने इम्प्रूव नहीं किया, बट दिस ईयर आई एम एक्चुअली यू नो ओके ओके, मैं काफी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो अभी होपफुली यू नो आई सी द रिजल्ट्स आफ्टर 2-3 मंथ्स, तो वो सब मेरे को कोई वो नहीं है श्योर इस। श्योर, श्योरली श्योरली। सो ओके, सो वी वुड लाइक टू रैप अप विद वन थिंग, योर मैसेज टू द यंगस्टर्स कमिंग अप एंड योर मैसेज टू द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ। पहले तो थैंक यू बोलूंगा जो लोग मुझे देख रहे हैं और यू नो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आई फील जो भी यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, दिस ये एक ऐसी रोड है जो आपको कभी भी कहीं भी ले जा सकती है, बहुत सारे सरप्राइजेस आपकी लाइफ में, आपको ज्यादातर आपकी लाइफ में डाउन ही दिखेगा यू नो, क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग इट इज अ टेंडेंसी टू लुक टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स, बट अगर आप उसके ऑपोजिट सोचते हो कि आपको अगर ऐसा मौका मिला, अगर कोई भी रणजी ट्रॉफी खेलता है कोई भी बोर्ड क्रिकेट खेलता है, तो हर चीज से सीखने को देखो, क्योंकि सीखने की चीजें कभी बंद नहीं होती हैं। अब आप देखो सचिन तेंदुलकर ने बोला है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, तो उस जैसा बैट्समैन कभी हुआ ही नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी भी करेक्ट। आज भी बोलते हैं कि मैं सीखता हूँ, तो यू नो हम लोग को सीखने की कैपेबिलिटीज बहुत है, तो कीप लर्निंग, अगर आपका पैशन है, अगर आपका वो इंटेंट है कि यू नो कि आपको अपने कंट्री के लिए खेलना है, तो वो बहुत बहुत यू नो इट इज वेरी मोटिवेटिंग, और क्रिकेट का अपसाइड बहुत है, क्रिकेट के जो अपसाइड है जो यू नो सब कुछ है आपके पास क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट इस देश में एक तरीके से रिलीजन है, मतलब मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा इट इज एक्चुअली रिलीजन, वर्ल्ड कप का मैच पूरी दुनिया देखने बैठ जाती है यू नो, तो दिस इज एक्चुअली रिलीजन, तो इफ अगर आपके पास कैपेबिलिटी है चाहे कोई भी हो यू नो रिच पुअर एनीबडी एनीबडी, क्रिकेट इज समथिंग विच आप देखो आज के टाइम पे कितने लोग, ऋषभ पंत कहाँ थे कहाँ आ गए, तो मतलब ही इज करेक्ट। बहुत बहुत, ऋषभ तो मेरे साथ ही खेला है बट यू नो आई अडोर हिम कि जिस ढंग से हम लोग के साथ आया, हम लोग के आगे कितना निकल गया, तो बहुत चीजें नोबडी इज जेलस फ्रॉम हिम, बट आपको अगर वो लोग जेलस भी हो सकते हैं, बट आपको अगर सीखने को मिलता है तो आप सीखो इन सब चीजों से,
ऋषभ ऋषभ के पास इतना टाइम है, इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर है, तो वो लोगों को अभी आधे लोग उसके बारे में उल्टा बोलेंगे कि अच्छा नहीं कर रहा है ये वो, बट इट इज समथिंग. वो बेचारा अभी 21 साल का है, ही इज ऑल्सो स्टिल लर्निंग, करेक्ट करेक्ट यस फॉर फॉर यंग क्रिकेटर्स इट इज एवरीथिंग दे कैन गेट. बहुत मेहनत है करेक्ट ऑब्वियसली, करेक्ट मेहनत करेक्ट के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता. किसान भी बहुत मेहनत करता है, तो कि मेहनत के बिना कुछ भी करेक्ट नहीं मिलता, तो मतलब बहुत अच्छी चीज है क्रिकेट खेलना. प्लस इंडिया जैसी कंट्री में आई गेस लोग जज भी जल्दी करना शुरू कर देते हैं ना, जैसे कोई बंदा नहीं भी खेल रहा है उसके पास कमेंट्स करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ऋषभ पंत के बारे में आपने बताया, कोई ऐसा बंदा कमेंट कर रहा होगा जिसने अभी तक क्रिकेट बैट पकड़ा भी ना हो, वो कमेंट कर रहा होगा कि अबे कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है। लाइक वो बंदा भी सीख रहा है, प्लस टू बी देयर प्लेइंग फॉर इंडिया एट हाँ दैट एज ही नोज बेटर ना। नहीं, बिल्कुल सो बिल्कुल मेरे को वही लगता है कि इंडिया में लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं लोगों को कि इसका तो करियर खत्म है, इसका करियर शुरू है। सो आई गेस वो चीजें भी बंद होनी चाहिए। आई गेस एक्सपेक्टेशंस लोगों की भी एकदम बढ़ जाती है लोगों से, नहीं, बट तो आई गेस वो चीज। आप एक चीज देखिए, ये एक्सपेक्टेशन भी कौन देता है, वो ऋषभ पंत ही दे रहे. वो ही करेक्ट इज प्लेइंग करेक्ट एन करेक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लोग उसको देखते हैं, उसे दे वांट टू सीक. तो वो एक क्रिकेटर का अपसाइड है, किसी भी चीज का अपसाइड है. अपसाइड है, आज आज आप अच्छा कर रहे हो तो तालियां हैं, नहीं तो फिर गालियां हैं. तो वो हम जो मेरे को लगता है ऊपर जाके, क्योंकि अगर देखो आप, हम 2007 में वर्ल्ड कप हारे थे, तो जो वनडे वर्ल्ड कप था, तो MS धोनी के घर पे पथराव हो गया. मतलब उसी साल वर्ल्ड करेक्ट कप करेक्ट जीते, तो लोग उसी साल उसको भगवान बना लिया. तो वो सब क्रिकेटर्स जो ऊपर खेलते हैं, जो उस लेवल पे हैं, दे डू नॉट इतना अटेंशन नहीं देते. और यही एक एक्चुअली सही तरीका है कि क्योंकि लोग तो बोलेंगे आपके बारे में, आज अच्छा बोलेंगे कल गाली देंगे, तो यू हैव टू गेट यूज टू इट. मतलब दिस इज प्रोफेशनलिज्म, करेक्ट दिस इज करेक्ट कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स इसी में इसी से सक्सीड करते हैं आज. करेक्ट 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 सो गाइस दैट वाज इट, लाइक वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम हिम। और तुम लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उन्होंने बताया कि कैसे क्रिटिसिज्म भी आप हैंडल कर सकते हो। लाइक यू डोंट हैव टू आंसर एवरीवन, राइट? लाइक बोलने वाले बहुत सारे, यू कांट बी आंसरिंग एवरीवन कि नहीं नहीं ऐसा हुआ। सो आई गेस दैट्स इट गाइस, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू, या थैंक सी यू यू, सून ऑन द थैंक फील्ड। यू, थैंक यू, बाय. बाय, थैंक यू।